हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पैनिंग फोटोग्राफी के बारे में कि पैनिंग फोटोग्राफी क्या होती है और इसे कहाँ यूज किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये यूज की जाती है मूविंग सब्जेक्ट्स को कैप्चर करने में, जैसे मोटरबाइकिंग रेसिंग में या कार रेसिंग में या रोड पे कोई सब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनको कैप्चर करने में। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट का पैनिंग शॉट लेते हैं तो उसमें उसका बैकग्राउंड मोशन ब्लर हो जाता है और सब्जेक्ट क्लियर एंड शार्प होके पॉप आउट होता है, जिससे फोटोज देखने में A1 लगती है। तो बात आती है कि हम कैसे पैनिंग शॉट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो पैनिंग शॉट्स मोस्टली 3 चीजों पे डिपेंडेंट करता है, स्लो शटर स्पीड, हाई अपर्चर वैल्यू एंड लो ISO। तो बेसिकली हमें अपने कैमरे को मैनुअल मोड में रखना होता है। तो चलिए जानते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे हम किसी बाहर रोड पे शूट कर रहे हैं और हमारे आगे से कोई बाइक या कार निकली है तो उसका हमें पैनिंग शॉट लेना है। तो उस सब्जेक्ट का पैनिंग शॉट कैप्चर करने के लिए सबसे पहले हमें शटर स्पीड को लो कर लेना है, 1:2, 1:4 या 1:15, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सब्जेक्ट हमारे आगे से किस स्पीड से निकला है। बट मैक्सिमम 1:30 या 1:60 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शटर स्पीड। तो शटर स्पीड जितनी कम होगी लाइट उतनी आएगी कैमरे के अंदर, मतलब अगर हम शटर स्पीड कम कर देते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें अपर्चर वैल्यू को हाई कर देना है, F8 या F11, क्योंकि अपर्चर वैल्यू जितना हाई होगा लेंस उतना कम खुलेगा जिससे लाइट कम आएगी, और ISO को भी कम कर देना है जिससे कि लाइट का बैलेंस बन जाए हमारे फ्रेम में। और उसके बाद हमें हमारे सब्जेक्ट के और कैमरे के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस रखना होगा जिससे कि हम सब्जेक्ट को पूरा फ्रेम में ले सकें और वो फोकस में रहे। यह मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 8-10 feet होना ही चाहिए। और फिर बात आती है फोकस की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जितना फोकस में रहेगा उतना वो शार्प एंड क्लियर होगा जिससे वो उतना ही पॉप आउट होके बाहर निकलेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि अपने कैमरे को ऑटो फोकस पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शॉट लेने की कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और उनमें से कोई एक शॉट भी निकल जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। और अगर आपको कैमरे का नॉलेज है तो जहाँ से सब्जेक्ट पास हो रहा हो उस जगह पे अपने फोकस को लॉक कर दें, जिससे जब सब्जेक्ट आएगा तो अपने आप फोकस में आ जाएगा। तो कैमरे की सेटिंग और फोकस को ऑटो और मैनुअल पे रखने के बाद बात आती है फाइनल शॉट को कैप्चर करने की। तो कैप्चर करते वक्त ध्यान रखें कि आपके कैमरे का मोमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपके कैमरे का मोमेंट लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो आपके कैमरे का मोमेंट राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। और ध्यान रखें कि ये मोमेंट ऐसा ही होना चाहिए, आपका कैमरा अप या डाउन कोई मोमेंट नहीं करना चाहिए जिससे आपकी इमेज बहुत गंदी आएगी। तो इस मोमेंट से बचने के लिए कोशिश करें कि आप ट्राइपॉड का यूज करें। तो स्ट्रिप अपने गले में डाल लें कैमरे की और एक हाथ को कैमरे के नीचे रखें जिससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और ऐसे कैप्चर कर लें। और कैप्चर करते वक्त ध्यान रखें कि ऐसे शॉट कैप्चर करें, सब्जेक्ट पास हुआ आगे से तो पैन शूट पैन, बीच में ना रोके कैमरे को क्योंकि उससे आपका शॉट खराब हो सकता है। दोबारा देखें, सब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ मूवमेंट करी, क्लिक पैन पैन क्लिक पैन, और ध्यान रखें कि ये मोमेंट कम से कम हो, यही मोमेंट रहे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।